तो वेलकम बैक करो टू चैनल। तो आज के लिए फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाले। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड में एक चीज़ चली है, जो आप किसी चीज़ किसी ब्रांड का या किसी कंपनी का एक सामान लीजिए और उसे कोई कंपनी का वही ब्रांड का एक छोटा सामान लीजिए, कोई मतलब बड़ा पैक लीजिए और फिर उसका छोटा पैक लीजिए और दोनों में कंपेयर कीजिए कि किसका वेट ज़्यादा है, फिर किसमें के तब हम लोग को बेनिफिट होगा उसको खरीदने में, किसमें हम लोग को प्रॉफिट होगा खरीदने में। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो आज हमारे पास जो हाल बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली टॉपी है, हमारे पास अधिकतर ये सारा डेयरी मिल्क है, दे सकते हैं। ये हमारे पास है 20 वाला डेयरी मिल्क और ये है हमारे पास 10-10 वाला, दो 20 का दो 10-10 वाला डेयरी मिल्क और ये हमारे पास है 5 वाले डेयरी मिल्क 4 पीस। तो आज यही करने वाले हैं कि इस सब में सबका क्वांटिटी नापेंगे और फिर देखेंगे किसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा है हमारा डेयरी मिल्क, किसमें हम लोग खरीदने 20 वाले में खरीदने प्रॉफिट होता है या 10 वाले दो खरीदने प्रॉफिट होता है या फिर हमारे 5 वाले 4 खरीदने प्रॉफिट होता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो प्रॉफिट कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट और आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते रहता है। चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। This is the future. तो गाइस हम लोग डेयरी मिल्क का वेट नापने के लिए वेटिंग मशीन ले आए हैं। सबसे पहले हम लोग रैपर के साथ नापेंगे और उसके बाद फिर विदाउट रैपर के साथ नापेंगे और फिर उसका क्वांटिटी, उसके बाद हम लोग उसका क्वांटिटी नापेंगे कितना वेट नापेंगे, उसके बाद उसका क्वांटिटी कितना पीस इसमें निकलता है, कितना पीस ये 10 वाले में 10-10 वाला और फिर ये इसका निकालेंगे चार जो 5-5 का है। तो सबसे पहले हम लोग 20 वाले डेयरी मिल्क का हम लोग वेट नापते हैं, ऑन कर लेते हैं। तो इधर डेयरी मिल्क 20 वाला देते हैं डेयरी मिल्क, अब इसका दल दे देते हैं कितना ग्राम इसका आता है वेट। तो और ये हम इसको और ये हमारा 28 ग्राम, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से 28 ग्राम आ चुका है, जो 20 वाला था उसका 28 ग्राम निकला। हम लोग नापते हैं ये दोनों को छोटे वाले को, तो लोग फिर से इसको जीरो कर लेते हैं 10 वाले को, ये दोनों का कितना वेट होता है। गाइस हम लोग जीरो कर लिए, इसके अंदर डालते हैं और इसका वेट देखते हैं। इसका देखिए दोनों का आ चुका है 28 ग्राम, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से 28 ग्राम आ चुका है वाला का 28 ग्राम है, मतलब के बाद देखते हैं कितना। अब ये चारों का देखते हैं, छोटा छोटे वाला जीरो हो चुका है देख सकते हैं गाइस, तो चारों को डालते हैं इसके ऊपर और इससे कितना ग्राम आता है एग्जैक्ट। और ये हमारा देख सकते हैं 28 हमारा देख सकते हैं आ चुका है 28 एग्जैक्ट, देखते हैं पहले छोटा वाला एग्जैक्ट 28 ग्राम आ चुका है। तो एक हमारा ये बड़ा वाला हमारा 28 ग्राम और ये चार गोता ये 5-5 वाला ये निकला 28 ग्राम 28 ग्राम। तो सो गाइस तीनों का एक ही इतना वेट निकला, अब विदाउट रैपर का देखते कितना निकलता है। रैपर को हटाते हैं और फिर विदाउट रैपर का देखेंगे कितना ग्राम इसका निकलता है बने डिस्प्ले। सबसे पहले हम लोग ये बड़ा वाला का देखेंगे, तो पहले इस प्लेट को इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर इसको जीरो कर लेते हैं, 0 ग्राम हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग फाड़ते हैं इसको और फिर डालते हैं और ये कुछ पिघल गया हमारा डेढ़ मिनट थोड़ा पहले ले आए थे हम लोग, कोई बात नहीं इसको छाँस हम लोग डाल देते हैं इस पर इसका सारा। तो और ये देख सकते हैं कितना ग्राम 26 ग्राम आ चुका है हमारा, 28 ग्राम था रैपर के साथ और हमारा ये आया 26 ग्राम हमारा ये डेयरी मिल्क आया ये वाला जो बड़ा वाला था। अब देखते हैं छोटा वाला ये 10 वाला कितना आता है, ये दोनों एक रैपर ले गए हम लास्ट फिर से, अब इसके अंदर डालते हैं हम लोग जीरो कर लेते हैं हम लोग पहले देख सकते हैं। अब हम लोग इसको डालते हैं फटाफट इसके अंदर, एक डाला गया देखते हैं एट था रैपर के साथ, मतलब 2 ग्राम रैपर का था 26 निकला ये। अब हम लोग निकालते हैं ये वाले छोटे वाले का सारा का, तो इसके लिए एक और प्लेट चाहिए। हाँ 26 ग्राम आ चुका है, तो तीनों का
जो साइज गाइस था ये तीनों जितना था तीनों का एक ही निकल गया, ये तो इम्पॉसिबल। अब कैसे हो गया तीनों जितना था हमारा, ये तीनों सारा ये तीनों का एक ही ग्राम निकला। गाइस इसमें हमारा 23 निकला इस वाले में, पांच वाले में, क्योंकि तीन ग्राम इसका पूरा पन्नी में लग गया, तीन ग्राम मतलब 26 26 26। ओ माय गॉड, तीनों का एक ही ग्राम कैसे निकलता, तीनों का एक ही डेयरी मिल्क में तीनों का एक ही इतना निकला अमाउंट। तो आप इसमें से कोई भी लीजिए तो उतना ही आपको बेनिफिट होता है, और फिर जितना आपका पीस होता है सब में एक ही इक्वल पीस था तीनों का टोटल का। तो यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और आप मेरे चैनल पहली बार चैनल कर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग लाते रहते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ले जाए, जय भारत।